यहाँ पे लोग अपने लिए टी शर्ट ले रहे हैं ऐसी वाली। ये हम अपने गोली के लिए ले रहे हैं, देखते हैं सही लगाएंगे तो ले लेंगे, अपने छोटे से बाबू के लिए ले रहे हैं ये। तो मैं बैठी हूँ, फिर मुझे कुछ लेना नहीं है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं लक्ष्मण झूला में। हाँ जी, पहले हम थे राम झूला, वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चल के आए हम, और अभी हम आए हैं लक्ष्मण झूला में। सेम ही है दोनों साइड, लक्ष्मण राम झूला। यहाँ पे आपको वोटिंग करते हुए लोग नज़र आ रहे होंगे, वो देखो लोग वोटिंग कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके का है लक्ष्मण झूला, चारों तरफ पहाड़े पहाड़। बस इतना ही है यहाँ पे, मतलब अभी हम लोग जाएंगे होटल में खाना पीना खाना, क्योंकि 2 बज चुके हैं और हमें भूख लग गई है काफ़ी ज़्यादा। फिर हम सीधा यहाँ से निकलेंगे हरिद्वार के लिए, शायद से हम हरिद्वार कहीं घूमेंगे, हरि की पौड़ी या फिर मनसा देवी, वहाँ का भी मैं आप लोगों को आगे। सो ये देखिए, ये लोग भी वोटिंग पे बैठे हुए हैं, बाकी गाइस भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कौन? देख ही सकते हैं आप लोग कितने ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश से, और जस्ट पहले मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है। ये देखिए गाइस, 5:18 हो रही है, और मैं अभी हूँ हरिद्वार में। हरिद्वार हम पहुँच चुके हैं, और हरिद्वार में हम मेरे मतलब हस्बैंड के कोई क्लाइंट्स हैं तो उनके यहाँ पे हैं अभी, तो उनको थोड़ा काम है तो उनके पास गए हुए हैं, और मैं मतलब यहाँ गाड़ी में बैठी हूँ, देवर भी बाहर पर ही हैं। सो जस्ट अभी हम पहुँचे हैं, हमें इसी किस्म में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जैसे मैंने आपको बताया था, हम बहुत ज़्यादा पैदल चले हैं, 2 किलोमीटर राम झूला से लक्ष्मण झूला गए, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर फिर पैदल आए, वैसे में हम थक गए। और आज मेरे वैसे भी ये शोल्डर पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, होता है ना कभी हम गलत तरीके से सो जाते हैं तो हमारी जो नसें हैं वो उन खिंचाव आ जाता है, तो बस मेरे भी थोड़ा पेन हो रहा है। तो इस वजह से हमने प्लान बनाया था कि हम हरिद्वार में भी घूमेंगे, बट अब हमारा प्लान थोड़ा डिसमिस हो गया है, अब हमारा मन नहीं है मतलब घूमने का, क्योंकि सब देवर को भी और हस्बैंड को भी हेडक होने लग गया है, और मेरा पूरा गर्दन ही दर्द कर रहा है, मेरे से बिल्कुल भी मतलब गर्दन सीधी नहीं हो पा रही। तो इस वजह से मैंने तो कहा कि मैं कोई 1-2 दिन अभी यहाँ रहना ही है हरिद्वार में, तो मैं घूम भी लूँगी, बट ये लोग कल चले जाएँगे यहाँ से गुड़गांव के लिए। सो हम इस वजह से अभी हरिद्वार नहीं घूमेंगे, और वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया है, सो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है अभी घूमने का, हम लोग सीधा घर जाएंगे भैया के घर।
और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं, बस ये लोग फ्री हो जाएं फिर हम लोग निकलते हैं। सो बस गाइस, आज का मैंने इतना सा ही ये ब्लॉग बनाया था। देहरादून से हम लोग आगे थे और मैं चाहती थी मैं आप लोग को राम झूला लक्ष्मण झूला दिखाऊं, ऋषिकेश के थोड़ा से दर्शन कराऊं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब बाहर से भी काफ़ी सारे लोग ऋषिकेश में आते हैं और यहाँ पे मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मतलब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, कोई बाहर का लोग हो, विदेशी लोग हो, या मतलब जो हमारे उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते, विदेशी लोग ही बोल सकते हैं, वो लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घूमने आते हैं। तो भीड़ भड़ाका आप लोगों ने देख लिया था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका था, पुलिस भी थी। और यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि मैंने इतने सारे ब्लॉग बनाए हैं, ब्लॉग से मेरा मास्क ज़्यादातर नीचे रहा है, वो इस वजह से गाइस, क्योंकि उत्तराखंड में इतना कोरोना का कोई डर नहीं है और फिर भी हम लोग तो लगा ही रहे हैं, बट फिर भी बार बार लगाना यहाँ पे मतलब सही नहीं हो पा रहा और गर्मी यहाँ पे ज़्यादा हो रही, तो इस वजह से मैं थोड़ा मास्क नीचे कर ले रही हूँ। तो इस वजह से आप लोग ये मत सोचना कि मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है पब्लिक प्लेस में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप को बिल्कुल सेफ्टी मतलब रख रही हूँ अपने आप को, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहीं पे भी किसी पे भी टच वच ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सैनिटाइज़र अपने पास रखा हुआ है, मास्क में प्रॉपर लगा रही हूँ और दूरी भी मैं प्रॉपर लोगों से बना रही हूँ, ताकि भले ही वैक्सीन आ चुके हैं बट कोरोना ऐसा ये कुछ हमारे साथ नहीं होना चाहिए, है ना। एनीवे ये चीज़ें चलो बात की बात है। सो चलो गाइस, अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो मेरी बड़ी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और अब मैं आप लोग को सीधा मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अब मैं आप लोग को सीधा मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ गाइस, मैं जब से गुड़गांव से आई हूँ ना, तब से मैंने ब्लॉगिंग तो बनाई ही बनाई है, बट एडिटिंग मैंने अभी तक एक वीडियो की नहीं की है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज से मैं एडिटिंग करना शुरू कर दूंगी और आप लोग को मेरे जो ब्लॉग्स हैं ना जो मैंने बनाए हैं वो सब दिखने शुरू हो जाएंगे। तो चलो गाइस, अब वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो लेंथ करना नहीं थी बट वीडियो लेंथ ही हो गई है, तो चलो अब वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।